आज बनाएंगे जला हुआ मुर्गी का करी। तो सबसे पहले उसमें नमक और हल्दी थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छा सा मसाज करेंगे, उसके बाद जलाएंगे उसको और बाद में बनाएंगे ज़बरदस्त वाला टेस्टी वाला चिकन करी। अब डालेंगे उसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। चलो अब इसको लेके काटेंगे। चलो ये तो कटिंग हो गया, अब ले लेंगे इसको। अब इसमें मसाला मिलाएंगे। सबसे पहले एक स्पून नमक और पूरा 3 स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 2-3 यह है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच। अब डालेंगे उसमें लेमन का जूस, अब इसको अच्छा सा मिला देंगे। यहाँ पे भगोना गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे ऑयल। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसमें है शाही जीरा, लवंग, काली मिर्ची, तेज पत्ता, दालचीनी और इलायची, पूरा एक ही साथ गरम ऑयल में। अनियन पाउडर, अब डालेंगे उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब डालेंगे उसमें टमाटो प्यूरी, अब इसमें डालेंगे मेथी का पाउडर, चिकन का स्वाद पूरा एकदम जबरदस्त रहेगा। अब डाल देंगे उसमें चिकन, अब लगा देंगे इसका ढक्कन खाली 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो गया, अब इसको खोल के अच्छा से पक रहा है, एक बार मिला देंगे। अब डालेंगे इसमें जीरा पाउडर और यह है चिकन मसाला, अब इसमें डालेंगे कोकोनट प्यूरी, अब डालेंगे इसमें ग्रीन चिल्ली और यह पुदीना पत्ता, अब लगा देंगे इसका ढक्कन पूरा 15 मिनट के लिए। चलो अब तक तो 15 मिनट हो गया और ये एकदम रेडी हो गया चिकन करी। जला हुआ चिकन करी, डालेंगे उसमें धनिया पत्ता। चलो अब इसको नीचे उतारेंगे। ये देखिए कितना मजेदार चिकन करी। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसमें, क्योंकि अपन उसमें से थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के इसको जलाए थे, खवा थे।